हमारे पास जो पहले दो ऑप्शन है, सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए, इंस्टेंट सॉर्ट करने के लिए होते हैं। जैसे हमने ये सिलेक्ट कर दिया ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, इसमें ये पूछ रहा है एक्सपैंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। और कंटिन्यू विद, हम करंट सिलेक्शन करते हैं तो हमारी फर्स्ट कॉलम ही खाली सॉर्ट होगा, ये वैल्यू डेटा मेरा गड़बड़ हो जाएगा। एक्सपैंड करता हूं इस तरह से, हमेशा डेटा सिलेक्टेड होना चाहिए पूरा पूरा। सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, वैसे अगर डेटा सिलेक्टेड होगा तो हमारा फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करेंगे, दो ऑप्शन असेंडिंग डिसेंडिंग में। ठीक है, मेन आते हैं सॉर्ट पे, कस्टम सॉर्ट पे। कस्टम सॉर्ट में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। कई बार क्या होता है, ये जो है यहाँ पे वैल्यू नहीं शो करता, हमारे हेडर्स वगैरह नहीं शो करता, ए बी सी डी ई एफ। जब डेटा ज्यादा होता है हमारे पास तो ये चीज दिक्कत करती है। ये हमारे पास है माई डेटा हैज हेडर्स, तो फर्स्ट कॉलम को हेडर, फर्स्ट रो को हेडर बना देता है। ठीक है जी, अब आपकी हेडर यहाँ पे और इजी टू आइडेंटिफाई है। क्या क्या कर सकते हैं हम, पहले डेट के पास जाते हैं, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट करते हैं बेस्ड ऑन वैल्यू। दोबारा जाते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ डेट नेम सिटी प्रोडक्ट, मुझे क्या करना है, इलाहाबाद के जितने भी, इस डेटा में जितने बार भी इलाहाबाद है वो सारा एक साथ हो जाए। उसके बाद हाईएस्ट सेल सबसे ऊपर आए एक सिटी की, जैसे इलाहाबाद मेरा हो गया दो तीन बार, तो उसमें हाईएस्ट सबसे ऊपर आए। यानी दो सॉर्टिंग करनी है मुझे, सिटी वाइज और सेल वाइज। हम पहले सिटी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से ए टू जेड, यहाँ से हम ऐड लेवल करेंगे। पहले सॉर्टिंग जो होगी हमारी फर्स्ट वैल्यू के बेस पे होगी, देन बाय हमें सेल्स के बेस पे करनी है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूंगा। इलाहाबाद का डेटा एक साथ हो गया और हाईएस्ट सेल हाई, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गए। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट सिटी में एंटर किया, यहाँ पे डेटा आपका हाईएस्ट सेल, इस तरह से सॉर्ट हो जाता है। आप इसमें और भी लेवल बढ़ा सकते हैं, मैं पहले इसमें एक छोटा सा लेवल और दे देता हूँ कि हमारी जो प्रोडक्ट लिस्ट है उसको अल्फाबेटिक सॉर्ट कर दे ए टू जेड। देन इसमें वही क्राइटेरिया सेल्स का, इस बार हम करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में इसमें क्या हो गया, जब हमने एक इसको एक सिटी ले ली, हमने ये सॉर्टिंग आ गई, इनके ग्रुप बन गए अलग अलग आ गई। अब इसी तरह से जब हमने इसको सॉर्ट किया तो इसमें तीन चार प्रोडक्ट हैं, ये सिटी वाइज अल्फाबेटिक सॉर्ट हुए, जैसे सी ए बी सी लास्ट में यू आ रहा है। अब इनका तो कोई ग्रुप नहीं बना, इसको इन्हीं इसी तरह से आना था, इसी कारण आपको इसका इम्पैक्ट यहाँ दिखाई नहीं देगा। जिस तरह से 962, क्योंकि सेकेंड प्रायोरिटी तो हमारी ये हो गई। ठीक है जी, तो कई बार क्या होता है कि
ये तो मैं एक सैंपल डेटा पे दिखा रहा हूँ, पर आपको बड़े डेटा में इस तरह से लेवल वाइज सॉर्टिंग की जरूरत पड़ सकती है, तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। यहां से कोई भी लेवल अगर मैंने डिलीट करना है, डिलीट लेवल, किसी की प्रायोरिटी हमें पहले रखनी है, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहां से अपर कर दीजिए। पहले सेल्स आप वो करें, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, देन बाय सिटी करें। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तो यहाँ पे सेल्स ही सेल्स आएगी इनके। अगर 988 पाँच छः दस बार होता तब ये सेल सॉर्ट होता हमारा उस तरह से। और किसके बेस पे हम कर सकते हैं सॉर्ट? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज, सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल आइकॉन। मैं सेल कलर के बेस पे करके दिखाता हूँ आपको कुछ। जैसे मैंने बीच में कहीं कलर कर दिए, जैसे हम कोई चीज का लिस्ट को क्रॉस चेक कर रहे हैं, एरर्स निकाल लिए हमने कुछ, हम चाहते हैं सारी एरर्स हमारी एक साथ आ जाए, हम क्या करेंगे? हमने सेल्स में लगाया, सेल कलर में जाएंगे, सेल कलर यहां से चूज करेंगे, ऑन टॉप में रखना है कि सबसे लास्ट में करना है? ठीक जी। एक टर्म और है हमारे इसमें, सेल आइकॉन्स की। सेल्स में यहाँ पे फॉन्ट कलर, फॉन्ट के कलर के बीच में, ये तो मतलब नॉर्मल ही है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कुछ लाल किए अलग से या किसी और कलर में किए, दो कलर का भी मैं एक साथ कर सकता हूँ इस तरह से। सेल्स मेरी, पहले मैं करूंगा सेल कलर, सेल फॉन्ट कलर, यहाँ पे जितने यूज होंगे वो मेरे को दिखाई देंगे ऑन टॉप। देन क्या करता हूँ, मैं वापस इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेल कलर ऑन टॉप, दो बार मैंने ऑन टॉप किया, पर पहली प्रायोरिटी इसकी बनती है, सेकंड इसकी बनती है। इस तरह से दो बार तीन बार जिस तरह से अलग अलग वेरिएशन में अलग वेरिएशन में हम लोग डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। सेल आइकॉन का एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। जिस तरह मेरी कुछ वैल्यूज हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता है हमारा आइकन सेट, ये मैं जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें बताऊंगा तो इसमें बता दूंगा। इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके बेस पे इस पे इस तरह से कुछ हमारे आइकॉन्स लगते हैं, क्रॉस, क्रिटिकल, ओके। तीन लेवल है, मीडियम ये सबसे हाई, ये मीडियम ये सबसे लो, तो हम इसके बेस पे भी इनको सॉर्ट कर सकते हैं। सेल्स के अंदर हटा देता हूँ मैं सेल आइकॉन, नहीं क्वांटिटी के अंदर लगाया, क्वांटिटी सेल आइकॉन। किसके बेस पे करना है? सबसे पहले हमें निकालें हैं कि हमने जो ओके हैं वो वैल्यू आ जाए,
देन इसमें हम वापस क्वांटिटी में लगाते हैं, हम कहते हैं कि जो मीडियम वैल्यू है वो आ जाए, और लास्ट वाली वैल्यू तो अपने आप आ ही जाएगी। ठीक है जी, तो ये टोटल सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं फिल्टर पे। सॉर्टिंग में एक चीज और होती है, एक जैसे मैंने इसके सामने इसका मंथ लिखा है, मैं मंथ दोबारा से लिख देता हूं। मैं टेक्स्ट का फॉर्मूला मैंने कस्टम फॉर्मेट बताते हुए बताया था, अब इसमें से मुझे क्या निकालना है। टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाया, रेफरेंस सिलेक्ट किया डेट से मैंने, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट MMM मंथ के लिए, ब्रैकेट क्लोज, यहां से इसको ड्रैग कर दूंगा मैं, तो इनका मंथ डेट का मंथ मेरा इसके सामने आ गया। इसको पेस्ट एज वैल्यूज कर दूंगा, टेक्स्ट की फॉर्म में आ गया। अब क्या होता है जब मैं मंथ वाइज इसको सॉर्ट करना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, जनवरी वाला डाटा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जी पर हम ट्राई करते हैं कि इसका आता क्या है। मंथ को मैंने वैल्यू बेस पे की कर दिया, ए टू जेड, जेड टू ए इसमें, तो इसने अप्रैल उठा लिया, मैं चाह रहा था जनवरी, यहां पे आ गया अप्रैल, अगस्त, कोई तुक ही नहीं बना। इसके लिए क्या करेंगे, अपनी पहली क्लास में मैंने कस्टम लिस्ट के बारे में बताया था, तो वो कस्टम लिस्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो मेरा बार बार यूज में चीजें आती रहती हैं, मैं उसको लिस्ट बना लेता हूँ, और इस लिस्ट को मैं कस्टम लिस्ट में डाल के उसको कभी भी यूज करता हूँ। दूसरा काम यह है कि जिस ऑर्डर में उसमें डेटा पड़ा है उसी ऑर्डर में मैं इसे यूज भी कर सकता हूँ। तो मंथ का मेरे पास यहाँ पे जनवरी फरवरी ये पड़ा हुआ है पहले से, ओके किया, ऑर्डर मिल गया मुझे, देन जैन फेब मार्च अप्रैल मई, इसी तरह से आप अपने कस्टम फॉर्मेटिंग कस्टम लिस्ट को आप सॉर्ट में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फिल्टर पे। फिल्टर के क्या शॉर्टकट है, पहले तो मैं फिल्टर के शॉर्टकट में बताता हूँ। पहले बताता हूँ जनरल एंट्री कहाँ से होती है। होम टैब में हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर में फिल्टर है हमारे पास, यहां से लगा सकते हैं हम फिल्टर। दूसरा हमारे पास शॉर्टकट जो है वो है कंट्रोल शिफ्ट एल, इससे लगा सकते हैं। एक और शॉर्टकट है आल्ट डी एफ एफ, ठीक है जी। दूसरा फिल्टर, ये तो हमारी होम टैब है, यहाँ हर एक का छोटा 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 लिंक टाइप में रेफरेंस दिए हुए। एक फिल्टर हम यहां से भी लगा सकते हैं, इसका एक और शॉर्टकट बन जाता है हमारा आल्ट ए टी। तुम्हारे फिल्टर के ही कम से कम तीन चार शॉर्टकट हो गए हमारे, कंट्रोल शिफ्ट एल, आल्ट डी एफ एफ, आल्ट ए टी, और क्या बताया था मैंने, यहां से भी जा सकते हैं आल्ट एच एस एफ, आल्ट एच एस एफ। फिल्टर में मैं आपको एक चीज दिखाता हूं,
क्या दिक्कत आती है हमारे साथ। सपोज यहाँ पे गैप है मेरा, मैंने यहाँ पे लगा दिया फिल्टर अपना, एक रो का गैप है, बीच में कोई डेटा नहीं, तो क्या ये मेरा फिल्टर जो है नीचे वाला डेटा लेगा? देखते हैं। नहीं लेगा सर। यहाँ पे अच्छा पर क्या होता है, कई बार हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर से, ईआरपी से जो लिस्ट आती है हम जिसमें फिल्टर लगाना चाहते हैं, उसमें ऐसे ही काफी ब्लैंक कॉलम होते हैं, ब्लैंक रोज होते हैं। अब वहां मुझे सर, फिर, कई बार हाँ सर मर्ज भी होते हैं कॉलम, सॉरी रोज। रोज मर्ज होती हैं, बिल्कुल सही बात है, रोज मर्ज भी होती हैं इस तरह से। हालांकि जो मर्ज रोज होती हैं वो ब्लैंक होती हैं। जैसे मैंने ये मर्ज कर दिया, इसमें कुछ भी लिखा, अब इसकी एंट्री मुझे ठीक है, दिखाएगा कहाँ? पहले तो मैं ये बताता हूँ कि इस डेटा को हम फिल्टर में कैसे लेंगे। हम पूरे डेटा ठीक है सर। को जैसे सिलेक्ट करेंगे, इस पूरे डेटा को हमें सिलेक्ट करना होता है, देन कंट्रोल शिफ्ट एल, तो हमारा हर एक एरिया इसमें कवर्ड हो गया। दूसरा, मर्ज जब होता है, एक सेल मर्ज होती है, तो जैसे ए से लेकर डी तक मैंने किया, A13 से D13 तक मैंने मर्ज किया है, तो जो इसकी वैल्यू है, अगर मैं इसका एड्रेस उठाऊं तो ये क्या देगा? मर्ज कॉलम मेरे को क्या एड्रेस देता है? ना, 13। नहीं नहीं ये एड्रेस नहीं है इसका, इन्फो जो हमारा इसका कॉलम का एड्रेस होता है जनरली वो A13 होता है, हमारा जिस फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेल जो शुरू होती है उसका एड्रेस लेता है। तो अगर ये डेटा मुझे फाइंड करना हो इसमें, तो मुझे यहां मिलेगा फर्स्ट कॉलम में अपने, यहां से मर्ज स्टार्ट हुआ है। तो एक क्राइटेरिया मेरा ये हो गया ऐसी वैल्यूज को खत्म करने का। दूसरा क्राइटेरिया है कि आप उसके अगले में जाके, आपको पता है, तो ब्लैंक सिलेक्ट कर लीजिए, आपको ब्लैंक दिखा देगा। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे 4 और 13 ये दो वैल्यू दिखा रहा है, ब्लू कलर में दिखा रहा है। जो चीज आपको ब्लू में दिखाई जाती है वो फिल्टर डेटा की रेंज में आती है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और फिर डिलीट कर देता हूँ। अब ये प्रॉब्लम मेरी इसमें से जा चुकी है। सबसे पहले चलते हैं डेट वैल्यू पे अपनी, फिल्टर यहाँ कैसे काम करता है, क्या होता है इसमें। डेट फिल्टर में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ईयर दिखाता है और इसके साथ में प्लस का साइन है, उसके बाद मंथ दिखाएगा, मंथ पे प्लस का साइन है, उसमें डेट्स दिखाएगा। अब जैसे मुझे सिलेक्ट करना है, एक फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है किसी भी डेटा में, मैं चाहता हूं अप्रैल 2014 से मार्च, अप्रैल 2013 से मार्च 2013 तक का डेटा लूं। तो सबसे पहले हम यहां से सारे ब्लैंक्स हटा देंगे, 2013 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि तो इसमें ज्यादा डेटा है, हमारे 8-9 कॉलम इसमें होंगे। यहां से फरवरी हटा देता हूँ, मार्च है ही नहीं, और 2014 में से क्या सिलेक्ट करना है मुझे, जनवरी फरवरी, तो एक ये फाइनेंशियल ईयर का मेरे पास फिल्टर बन गया। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इसमें हम सिलेक्शन वगैरह कैसे करेंगे। जब हम इसके ऊपर जाएंगे डेटा फिल्टर पे, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, मोस्टली ये इनविजिबल रहते हैं, किसी का ध्यान नहीं जाता है इनकी तरफ। फिल्टर लगा दिया, काम खत्म, डेटा छांटा बस। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन है कि मैं चाहता हूँ
सबसे पहला वाला उठाते हैं, एक एक करके चलते हैं। इक्वल्स, गेट इक्वल्स हो, ये हमारे पास जितनी भी इस रेंज में गेट्स होंगी वो यहाँ पे दिखाएगा मुझे। मैं चाहता हूँ कि 27 जून 2013 की जो हो वो फिल्टर हो जाए। सर हाँ जी, अच्छा सर को म्यूट कर दीजिए, बहुत ज्यादा ना वो आ रहा है, मैं गुस्सा हूँ। शिखा जी का तो म्यूट ही लग रहा है, ज्यादा साउंड मेरे तक नहीं पहुंच रहा। शिखा मेरे मेरा भी जी, म्यूट कर रहा हूँ मैं, मैंने क्या जी। हाँ शिखा जी ऑलरेडी म्यूट है। तो यहाँ पे बिफोर बिफोर में आता है हमारा कि इस डेट से पहले, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 10 फरवरी 2012 से पहले का डेटा उठा है, तो यहाँ पे 10 फरवरी 2012 से पहले का डेटा उठा लिया है। ठीक है जी, एक एक ऑप्शन करते हैं। आफ्टर 15 करंट में से सिलेक्ट करते हैं, तो 27 जून 2013 के बाद का डेटा दिखाए, तो 27 जून 2013 के बाद का है। बिटवीन इससे और इसके बीच का 28 अप्रैल 2011 से 27 जुलाई 2012 के बीच का डेटा, दो डेट के बीच का डेटा। टुमारो, जो बीत गया कल उसका डेटा, कोई ऐसा है नहीं कल की डेट का, इसलिए नहीं दिखाना। टुडे, आज का होता तो आज का दिखा देता। अब ये टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, लास्ट ईयर। ये जो हमारे फिल्टर अप्लाई होते हैं, सपोज एक लिस्ट है, यस्टरडे, मुझे कल किसी पार्टी से कोई किसी पार्टी से कलेक्शन करनी है, एक डेट दे दी पार्टी ने मुझे कि इस डेट को आपका चेक मिलेगा, तो मैं ये यस्टरडे में उन पार्टियों का डेटा सेट करके रखूंगा, डेली के डेली चेक करूंगा। जैसे ही वो हमारी डेट आ जाती है, कल जैसे जिनकी है, तो हमारी एक दिन पहले हमें पता पड़ जाएगा टुमारो वालों में, तो कल जिनका चेक मिलने वाला है यहाँ पे मुझे डेटा रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। हर बार सिस्टम डेट से एक दिन पहले बाद की करंट की, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वीक काम करता है। नेक्स्ट वीक में कौन सी आने वाली है, दिस वीक काम करता है, दिस वीक में कोई नहीं है अभी इस डेटा में, लास्ट वीक जो बीत गया उसके अंदर, नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ में, दिस मंथ, इस मंथ में, लास्ट मंथ बीते हुए में। तो ये बाकी जो नॉर्मल चीजें अंडरस्टूड है, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, क्वार्टर का, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, लास्ट ईयर, ईयर का। वाई ईयर टू डेट क्या है कि हमारा 1 जनवरी 2013 में ईयर चालू हुआ था, उससे टुडे के बीच की वैल्यू, 1 जनवरी 2013 से 25 नवंबर 2013 के बीच की जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे शो करेगा, ईयर टू डेट का फंक्शन। ऑल डेट्स इन दिस पीरियड, कोई भी डेट हो, ये आपके पास अलग अलग है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सब अलग से चूज कर सकते हैं, इसमें ईयर नहीं है। अगर मैं जनवरी चूज करूंगा तो वो ऑल ईयर की जनवरी दिखाएगा। ठीक है जी, क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर सिलेक्ट करता हूँ, तो ऑल डेट का फर्स्ट क्वार्टर, 4 साल का डेटा है सबका फर्स्ट क्वार्टर।
कस्टम फिल्टर, वही जो ऑप्शन हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं उनको हम यहाँ पे दे सकते हैं। इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू, इक्वल टू इस डेट के बराबर, डज नॉट इक्वल टू जिसमें ये ना हो बाकी सब हो, इज आफ्टर इसके बाद, इज आफ्टर और इक्वल टू इस डेट के बाद और इसके बराबर, इज बिफोर इससे पहले और इसके बराबर। यहाँ पे बिगिन्स विद और एंड्स विद, डज नॉट बिगिन्स विद, एंड्स विद, डज नॉट एंड विद, कंटेन, डज नॉट कंटेन, ये जो ऑप्शन है ये टेक्स्ट के होते हैं जो हमारे कस्टम फिल्टर में इकट्ठे ही दिखाता है, ये सब में सेम रहता है। तो हमारा यहाँ पे डेट का मैंने फिल्टर क्लियर किया है। अब चलते हैं टेक्स्ट की ओर। टेक्स्ट में फिल्टर क्या, आल्ट प्रेस करके जब मैं डाउन की दबाता हूं तो इसकी लिस्ट खुल जाती है मेरे सामने किसी भी फिल्टर पे, तो मुझे उसमें देखना हो शॉर्टकट के थ्रू, आल्ट के साथ डाउन डाउन की मैं प्रेस करूंगा, डाउन एरो। अब यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट फिल्टर में भी ऐसे ही ऑप्शन है, इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू, बिगिन विद, एंड विद, कंटेन्स एंड डज नॉट कंटेन्स, टेक्स्ट के साथ यूज होता है, ठीक है जी। इक्वल्स, अब मैं कहता हूं इसमें सुशील का सारा डेटा मुझे दिखाओ, सुशील का आ गया, डज नॉट इक्वल टू, सुशील को छोड़ के बाकी सबका दिखाओ। बिगिन्स विद, बिगिन्स विद मैंने कहा कि जिनका नाम एस से शुरू होता है, जो हमारे डेटा एस से स्टार्ट होता है वो दिखाओ। और करते हैं इसको दो तीन करेक्टर जितना भी हमें डाल सकते हैं, एस ए से शुरू होने वाली, इसी तरह से हमारे पास है एंड्स विद जो जिसका नाम पी पे खत्म होता हो, देन है कंटेन्स मतलब बीच में डबल ई हो जिसके, वो नीलम में डबल ई है, प्रदीप में डबल ई, संदीप, इस तरह से हमारे पास डेटा कंटेन्स। डज नॉट कंटेन डबल ई जिनके नाम में ना हो, सर हाँ जी। हम जैसे ये फिल्टर करते हैं तब तो इसको डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये फिर वो अपने आप ही सॉर्टिंग करता है, फिल्टर करते हैं डेटा कैसे, हाँ मतलब जैसे आपने फिल्टर लगाया हुआ है, जैसे हम कोई भी डेटा सॉर्ट करते हैं तो उस फिल्टर सॉर्ट करते हैं, मतलब फिल्टर से हम सॉर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए तो फिर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सबको ही सॉर्ट कर देता है, उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो भी, हाँ जी, हाँ जैसे जी, मान लीजिए आप नेम से कर रहे हैं आनंद तो हाँ सिटी प्रोडक्ट वो सबको एक साथ ही सॉर्ट कर देता है, हाँ उसको तो फिर जी, कुछ नहीं करना होता। हाँ जी, हाँ जी, उसको सबको एक साथ कर देता है। ठीक है अब सर, इसमें क्या है, कस्टम फिल्टर में एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको, यहाँ पे दो हमारे क्राइटेरिया हैं एंड और। अब एंड और क्या करता है, अब मैं ये करता हूं कि डज नॉट कंटेन डबल ई बट बिगिंस विद एस एंड के साथ, तो सुशील आया हमारे पास, डबल ई नहीं है पर एस से स्टार्ट होने वाला चाहिए, मैंने इसमें एंड यूज किया। और करता हूं तो क्या आता है इसका रिजल्ट, डज नॉट कंटेन डबल ई और बिगिन विद एस, इसमें सीधा क्राइटेरिया है कि जिसमें डबल ई ना हो
और या फिर वो एस से स्टार्ट हो, जैसे इसमें डबल ई नहीं है, एस से स्टार्ट है। एस से स्टार्ट है, इसमें डबल ई है। एंड और का डिफरेंस क्या है? जो मैंने दोनों चीजें दी हैं, एंड में वो दोनों ट्रू होनी चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब चलेगा। यानी अगर मैं इसको एंड पे करता हूं तो ये क्या ढूंढेगा? एस से स्टार्ट हो बट डबल ई ना हो उसमें, और में क्या है, इन दोनों में से एक भी चीज ट्रू होती है तो वो वैल्यू शो कर देगा। उसने पहले चेक किया डबल ई है, शो कर दिया एस। अब यहां पे एक कंडीशन फॉल्स हो गई हमारे संदीप में, डबल ई था पर उसने दूसरा चेक किया बिगिंस विद एस, ने कहा यस, देन ट्रू आ गया डेटा। ठीक है जी, ये था हमारा टेक्स्ट फिल्टर। नंबर उस पे चलते हैं। इक्वल टू नंबर का ये उतना ही आसान है, 20 कोई नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 20, 20 छोड़ के सारे आ गए। ग्रेटर देन, मैंने कहा 80, ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, 80 भी इंक्लूडेड है इसमें। लेस देन 60, लेस देन 60, लेस देन और इक्वल टू 60, बिटवीन 40 to 50। टॉप 10, टॉप में हम क्या कर सकते हैं, इसका आइटम टॉप 10 ही जरूरी नहीं है, टॉप 5 भी चूज कर सकते हैं, टॉप 6 भी, या अपना या बॉटम। टॉप बॉटम दो आइटम, दो चीजें हमारे पास, टॉप 5 आइटम्स, हाईएस्ट 5 आ गए। अबव एवरेज, इनका जो एवरेज निकलता उस अबव से जो बड़े हैं, एवरेज से जो बड़े हैं, और बिलो एवरेज जो एवरेज से छोटे हैं। देन हमारे पास कस्टम फिल्टर, लेस देन डज नॉट इक्वल टू इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इसमें भी सेम एंड और टाइप की कंडीशन है। एंड और का डिफरेंस मैंने बताया, जैसे आप दो लगा देते हैं तो अगर आपने एंड लगाया है तो दोनों कंडीशन आपकी मैच करनी चाहिए, और में क्या होता है, कोई भी एक मैच कर जाए तो रिजल्ट दे देता है। तो ये था हमारा फिल्टर एंड सॉर्टिंग। अब थोड़े से मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूं इनके साथ। जनरल फॉर्मूला में हमारे पास क्या क्या है? एक जैसे मैंने आपका टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज किया था, तो उसमें क्या था, मैंने कस्टम फॉर्मेट्स अपने यूज किए थे, मैंने MMM 3 बार लिखा, एंटर किया, ये इसने मुझे मंथ नेम दिखा दिया। इसी में 4 बार M करूंगा तो फुल नेम दिखा देगा, DD करूंगा तो डेट निकाल के दिखा देगा, DDD करूंगा तो उसका नाम बता देगा, संडे मंडे ट्यूसडे, 4 बार D करूंगा तो इसका फुल डेट नेम दिखा देगा। इसी तरह से YY और YYY,
ईयर के लिए। अब किसी टेक्स्ट की लेंथ जानने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? हमारे पास एक फॉर्मूला है लेन, LEN। इसमें जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसकी लेंथ कितनी है, कैरेक्टर कितने कैरेक्टर हैं वो यहाँ पे दिखा देगा मुझे। जैसे इलाहाबाद में 9 कैरेक्टर, फॉर्मूला मैंने ड्रैग किया, ये हर एक करेक्टर मुझे बताने लगा। अब इसका यूज मैं कहाँ कर सकता हूँ लेंथ का? सपोज मुझे एक जगह मोबाइल नंबर एंटर करने हैं और एक टाइप की वैलिडेशन टाइप ही चाहिए। मोबाइल नंबर जो होते हैं हमारे यहाँ 10 डिजिट के होते हैं, तो 10 डिजिट या 10 डिजिट तक तो हो तो ओके, अगर उससे कम हो तो नॉट ओके कर दे। लेन का फॉर्मूला लगाया, इफ लगा दूंगा, लॉजिकल टेस्ट मेरा हो ही रहा है उसमें लेंथ से। इसमें ये जो है इक्वल टू 10 होनी चाहिए, देन हम कर देंगे ओके, अदरवाइज नॉट ओके। इसको यहाँ ड्रैग कर देता हूँ, इसको यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। नॉट ओके, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूला को एक जगह फिक्स कर लेता हूँ। मैंने जैसे बताया था कि इसमें जो मुझे रेफरेंस दिख रहा है, जैसे K10 है, K3 है। अब मैंने यहाँ पे भी K3 के अंदर कुछ क्राइटेरिया लगाया जो फंक्शन, मैं क्या करूँगा यहाँ से इक्वल टू से पहले का कॉपी कर लूंगा और इसमें जाके K3 में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, ठीक है जी, इसको ड्रैग कर दूंगा, बीच में से ये डिलीट कर देता हूँ। अब ये मेरा इसके बेस पे चलने लगा। ठीक है जी, तो एक तरह से हम अपने सामने कुछ वैलिडेशन क्रिएट कर सकते हैं। इस वैलिडेशन का यूज मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा कि हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। अभी तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो देखी है हमने, नॉर्मल डुप्लीकेट वैल्यू, यूनिक वैल्यू, इसी टाइप की यूज करते हैं। फॉर्मूला के थ्रू उसको अपने हिसाब से यूज किया जा सकता है। दो चार और फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। हमारे पास सम का फंक्शन होता है, ये तो सब जानते हैं। अब इसमें से हम जितना डेटा है ऐसे सिलेक्ट करके रेंज दे देंगे तो ये हमें उसका सम दिखाएगा। F2 करके एडिट पे जाते हैं, यहाँ पे रेंज दिखाने लग जाएगा हमें। एक फंक्शन होता है हमारे पास सम इफ का। अब सम इफ क्या करता है? अब मैं ये कहता हूँ इसमें, इसमें पहला जो मेरे से मांगा है इसने बोला है रेंज। ये रेंज सम रेंज नहीं है, सबसे पहले समझने वाली चीज है। रेंज जो है ये सम रेंज नहीं है, क्राइटेरिया जो है ये हमारा कंडीशन है जिसके बेस पे वो सम करेगा, जो ट्रू होने पे वो सम करेगा। सम रेंज जो सम होना है, तो मैं क्या चाहता हूँ इसमें कि जो जनवरी का डेटा है मेरा खाली उसी का टोटल आना चाहिए। क्या करूंगा मैं, रेंज में पहले अपना फुल डेटा सिलेक्ट करूंगा, क्राइटेरिया में मैंने दे दिया जैन, कॉमा लगा के नेक्स्ट जो वैल्यू टोटल होनी है मैंने सम रेंज दे दी, एंटर किया। अब यहाँ पे मेरे को जनवरी का टोटल दिखा रहा है। मैं क्या करता हूँ इसके आगे यहाँ पे मंथ चेंज करता रहता हूँ और इसका रेफरेंस यहाँ दे देता हूँ। इसकी जगह मैं
अपना आई 3 से वैल्यू उठवाता हूँ। अब मैं यहाँ पे मार्च लिखता हूँ, मार्च का दिखा दिया। इसको क्या करता हूँ मैं, ड्रैग ड्रॉप के लिए, ड्रैग के लिए बताता हूँ कि कैसे हम ड्रैग करेंगे। सबसे पहले ड्रैगिंग के लिए जो होता है हमारा, ये वैल्यूज चेंज होती रहती है, पर डेटा रेंज है इसको हम अगर ड्रैग करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको अभी ड्रैग करता हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, इसकी रेंज छूटती जा रही है, ऊपर वाले बचते जा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है हमने, इसको फिक्स कर लेना है। मैंने क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट किया, F4 प्रेस किया, डॉलर आ गए। अगर मैं कंटिन्यूअस F4 प्रेस करता रहूंगा तो इसके डॉलर के ऑप्शन बदलते रहेंगे। मुझे रो कॉलम दोनों लॉक करने, तो दोनों जगह, दोनों से पहले डॉलर होना चाहिए, कॉलम से पहले, रो से पहले, ठीक है जी। I3 को नहीं छेड़ूंगा क्योंकि वो उसका चेंज होना है, मैं उस क्योंकि उसके सामने वाली जैसे मार्च है, अप्रैल यहाँ पे अपने मंथ दूंगा, पर अपनी सम रेंज को मैं सिक्योर करूंगा इसको लॉक करके, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ मैंने दे दिया जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, तो ये हमारा समिट का फंक्शन है। मैं इसके लिए मोस्टली पाइवट टेबल वगैरह यूज करते हैं समरी वगैरह निकालने के लिए, तो हम अपने फॉर्मूला के जरिए भी ये काम कर सकते हैं। मैं एक सिंपल फंक्शन और दिखाता हूँ आपको, काउंट का। काउंट के तीन चार फंक्शन है, काउंट का करता क्या है, मैं इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, पहले छोटे डेटा पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे काउंट क्या करेगा, एक रेंज सिलेक्ट कर ली, काउंट जीरो दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, ये खाली नंबर्स को काउंट करता है, काउंट फंक्शन हमारा। हमारे पास काउंट ए है, अब यहाँ पे हम नंबर डालेंगे तो भी ठीक, टेक्स्ट डालेंगे तो भी ठीक, ठीक है जी। नंबर्स और टेक्स्ट को एक साथ काउंट करता है काउंट ए। काउंट ब्लैंक है हमारे पास, ब्लैंक्स काउंट करने के लिए, इसके बीच में एक ही ब्लैंक है, अगर एक और होता दो, काउंट इफ, काउंट इफ थोड़ा सा अलग काम करता है। मैंने इसमें कहा, एक रेंज सिलेक्ट कर ली और उसमें कहा जनवरी के का डेटा कितना है मेरे पास, उसमें कहा 6 डेटा है, यहाँ पे देख सकते हैं 6 ही है। मार्च का कितना है, 2 है, यहाँ 2 है, काउंट इफ को किस तरह से यूज करता हूँ मैं। मैंने इसमें कहा जैसे मुझे एक यूनिक लिस्ट बनानी है, उसमें फॉर्मूला किस तरह से लगाता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ लिस्ट है, नहीं, अब मुझे इसमें से यूनिक वैल्यूज निकालनी है। अब यूनिक वैल्यूज कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से। मैं इसमें एक क्राइटेरिया देता हूँ, काउंट इफ, काउंट इफ रेंज
यहाँ पे जो मैं अपना डॉलर का जो यूज है ना उसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। ये डॉलर की ट्रिक से हमारे पास निकलेगा। क्या होता है कि हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज तो होती हैं, जैसे सुशील है, पर मेरे को ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो पहले पे मुझे स्किप करे, जब वो दोबारा डुप्लीकेट आए मेरे सामने वहां पे अलर्ट करे। तो इसके लिए रेंज थोड़ी सी हमें सेट करनी पड़ती है। मैंने यहाँ पे एक रेंज सिलेक्ट की, क्राइटेरिया भी मैंने इसी को ही ले लिया, पर अब ड्रैगिंग में थोड़ा सा मुझे लफड़ा करना है। मैंने क्या किया, रेंज की पहली जो वैल्यू है सिर्फ उसको डॉलर में सेट कर दिया। अब ये क्या करेगा देखिए, इसने पहले कहा कि सुशील कितना है, 1 बार, दूसरी बार आया दूसरी बार बता दिया, भारत चला, नीलम चला, भारत 2 बार आ गया, नीलम 3 बार आ गया क्योंकि 3 बार आ चुकी है। तो मुझे एक वैल्यू अपनी बचानी है, तो मैं इफ में क्या सिलेक्ट करूंगा, ये जो है ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तो मैं इस पे लिख दूंगा ग्रेटर देन 1 जो होगी हमारी वो होगी डुप्लीकेट। इस पे हमें कोई चीज नहीं एंटर करनी है, ब्लैंक रखनी है, उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा 2 बार दे देने विदाउट स्पेस वगैरह किसी, वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं आती। अब मैंने इसको भी ड्रैग कर दिया। यहाँ क्या करते हैं, जो मैंने क्राइटेरिया दिया था इसको इसमें कॉपी कर लेते हैं अपना। यहाँ भी फॉर्मूला है K2, यहाँ मैं इसको उठा के कॉपी किया, K2 में पेस्ट कर दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, सारी वैल्यूज इसमें लग सकती हैं। यहाँ पे मैं इन दोनों को फिल्टर कर लेता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूंगा, ब्लैंक्स छोड़ दूंगा, ये मेरी डुप्लीकेट वैल्यू है। चाहे तो मैं इसको यहां से ऐसे करके डिलीट कर दूं, और नहीं तो खाली ब्लैंक वैल्यूज उठा लूंगा, वो मेरी यूनिक वैल्यूज है। आपके पास यही यूनिक वैल्यूज आ गई, यूनिक डाटा निकालने के लिए काउंट इफ का यूज किया जाता है, और ये आपके हिसाब से चलता है। अब मैं इसको और क्या कस्टमाइज कर सकता हूँ, मैंने कहा 2 बार आ जाए तीसरी बार ना आए, तो यहाँ पे बस मुझे इस क्राइटेरिया में ग्रेटर देन 2 सेट करना है। तो ये वैल्यू मेरी 2 बार आ जाएगी। इसी तरह मान लीजिए इनके आगे सेल्स भी थी, इसको और आगे बढ़ाता जा, सेल्स भी थी इसमें। अब मेरा क्या है, क्राइटेरिया है, मैं चाहता हूं कि इसमें जितने बंदे हैं उन सब की मुझे फर्स्ट सेल चाहिए या लास्ट सेल चाहिए, किसी भी बंदे की लास्ट सेल चाहिए। अब जो मैंने डॉलर का जो सेटिंग की थी उसको क्या करूंगा, मैं सबसे नीचे जाऊंगा, या इसके आगे मैं आपको दिखा देता हूं, काउंट इफ रेंज वही पे, और फिर वही चीज हमें इसमें मैं क्या करूंगा, रेंज की दूसरी वैल्यू को सेट करूंगा। अगर नीचे से मुझे चाहिए, मतलब लास्ट उसका चाहिए, तो नीचे से सेट करूंगा ये, इसको ऊपर तक ड्रैग कर दूंगा। अब इसमें क्या हुआ, मुझे
लास्ट चाहिए, तो यानी इसके साथ मुझे इसको जोड़ना पड़ेगा। इसके यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ इनको। एक हमारे पास कंकैटिनेट का होता है, जैसे दो सेल हमें कोई ज्वाइंट करनी है, दो सेल की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे आनंद और एंड का साइन लगाएंगे, ये इन दो सेल की वैल्यू एक में आ जाएगी। इसी तरह से और भी कर सकते हैं, एक और एंड लगाऊंगा और इसको भी सेलेक्ट कर लूंगा, ये भी आ जाएगा। अगर मुझे हाथ से कुछ लिखना हो, अपने तरफ से कुछ ऐड करना हो, तो इन्वर्टेड कॉमास के जरिए हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसकी लास्ट सेल चाहिए, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यूज डुप्लीकेट है, इसको और इसको ऐड करने के बाद ये मेरी एक यूनिक वैल्यू बन जाती है। इसको हम नाम दे देते हैं हेल्पर कॉलम का। ठीक जी। तो इसमें से मैंने क्या, सबसे लास्ट में मेरा जब ये लास्ट वैल्यू में 1 आ रहा है, तो मैं इसमें फिल्टर के जरिए इसको टेक्स्ट फिल्टर से बिगिंस विद 1 सिलेक्ट करके उनकी लास्ट वैल्यूज उठा सकता हूँ, लेटेस्ट वैल्यूज। या फिर काउंट इफ का यूज करके मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसमें मैं अपने क्राइटेरिया के साथ 1 ऐड करके, जिसका भी नाम लेना है मैंने, मान लीजिए उस ऊपर वाली सेल से लेना है, कंकैटिनेट किया मैंने एंड यहाँ। अब यहाँ पे मैं इसमें जैसे ही डालूंगा संदीप, के साथ ऐड संदीप काउंट इफ 1, इसमें 1 दिखा रहा है। नहीं, यहाँ पे करता हूँ, रेंज को अपना चेंज कर लेता हूँ, रेंज को यहाँ ले आता हूँ। और इसको यहां से हटा देता हूँ, नॉर्मल काउंटिंग 7 बार वैल्यू। इसमें मैं इसको सीधा लगा देता हूँ, इस बार थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, ये 2 था। हमने फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करके इसकी वैल्यू रिवर्स कर दी। अब क्या है कि जो पहला है वो पहला है, इसने बोला सबसे लास्ट जो संदीप के 7 वैल्यू, तो दूसरे क्राइटेरिया में अगर मुझे वैल्यू लगानी हो और वी लुकअप से उठाना हो, यहाँ पे कंकैटिनेशन में वैसा ही चेंज है, इसकी लास्ट वैल्यू में वी लुकअप से, मान लीजिए सेल्स उठानी है, लुकअप वी लुकअप में मैं इसका लुकअप वैल्यू को ऐड करता हूँ इसके नाम से। टेबल एरे मैं यहां से लेता हूँ, जहां से मेरी वैल्यू स्टार्टिंग है, लेफ्ट मोस्ट वैल्यूज के बेस पे आगे वाले कॉलम नंबर इंडेक्स से ये हमें वैल्यू गेट करके देता है। इसमें जो हमारी पहली वैल्यू होती है लुकअप वैल्यू, कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, किसमें ढूंढ रहे हैं, वो टेबल हमें देनी पड़ती है, मैं इसमें पूरी टेबल दे देता हूँ। कॉलम इंडेक्स हमारा होता है, जैसे मैंने फर्स्ट वैल्यू सिलेक्ट किया है, तो ये 1 होगा, 2, 3, 4, 5,
फिफ्थ वैल्यू, और बाद में पूछता है ट्रू फॉल्स। ट्रू होता है अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स होता है एग्जैक्ट मैच, तो मैं इसमें हमेशा फॉल्स ही सिलेक्ट करूंगा, या जीरो दे सकते हैं हम फॉल्स की जगह, तो इसने मेरे को सेल्स रिटर्न करी। सेल्स क्या रिटर्न करी, जिस संदीप के आगे 7 हो उसकी सेल रिटर्न करेगा। संदीप ये लास्ट वैल्यू आ गई हमारी। तो इस तरह से फॉर्मूला को कस्टमाइज किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं फॉर्मूला नॉलेज दी अभी, आगे मैं इसका देता रहूंगा ताकि आपको ये चीज और क्लियर हो जाए। अभी हमारे फॉर्मूले इसकी क्लास होगी, जो हमारा 7-8 दिन फॉर्मूले ही चलेंगे, तो ये खाली रेफरेंस के लिए तो थोड़ा बहुत आपको बता दूं। ठीक है जी, तो क्लास एंड करें। आपने जो स्पेशल आइटम लिया है क्वांटिटी में, हाँ जी, उसका क्राइटेरिया क्या है? किसका? जो आपने स्पेशल आइटम लिए है क्वांटिटी में, ये मैं आपको कल, आपकी इसी चीज की क्लास है, उसको क्राइटेरिया मैं आपको सेट कर दूंगा, मतलब कल आपको ये सारी चीज समझ आ ठीक जाएगी। है। ये तो मैंने रेफरेंशियल दिखाई है खाली, कि आपके लिए कोई चीज नई ना रहे। और बाकी नरेंद्र जी, आप थोड़ा सा ना लेट आए, आप 9 बजे कोशिश करें, 9 बजे ज्वाइन कर लें, ताकि आपने बहुत सारी क्लास मिस कर दी। ठीक है जी। और शिखा जी, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उसको भी आपको डाउनलोड करना है, ड्रॉप बॉक्स। उसमें क्या होता है, हमारी जो डेली की जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वीडियो जितनी क्लासें अब तक हुई हैं उन सब की हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ना उसको डेली बेसिस पे अपना डाउनलोड कीजिए, और बाकी जब आपको समय मिलता है तो उसको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होगी। ठीक है मैम। आज आप ये एसक्यूएल भी करवाते हैं क्या? एसक्यूएल मैम मैं खुद करता हूँ, करवाता ठीक है, चलिए फिर। नहीं हूँ। मतलब मैं ओके, गुड खुद। नाइट सर, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी। ओके।